में जो प्रस्तावित टनल का निर्माणाधीन कार्य था, लगभग 4.5 किलोमीटर का, उसमें मात्र 400 मीटर बचा हुआ है ब्रेक थ्रू के लिए। मतलब कि लगभग टनल 4 किलोमीटर से ज्यादा बन चुकी है और अचानक बीच में ये मलवा आने से 40 श्रमिक भाई अंदर फंस गए हैं और उनको निकाले जाने के लिए लगातार बचाव का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू अभियान चला हुआ है जिसमें सभी एक्सपर्ट एजेंसियां काम कर रही हैं और RVNL के लोग भी वहां पहुंच गए हैं, अन्य एजेंसियों के लोग भी वहां पहुंचे हुए हैं जो टनल के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। बचाव का काम तेजी से हो रहा है। रात्रि को उनसे संपर्क भी स्थापित हो गया है। ऑक्सीजन लगातार भेजी जा रही है, पानी भेजा जा रहा है, खाद्य सामग्री अंदर भेजी गई है और उन्होंने अंदर से भी ये कहा है कि अभी खाद्य सामग्री उनके पास पर्याप्त हो गई है, इसलिए उसको भेजने की अभी जरूरत नहीं है। अंदर से जो उन्होंने बताया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करी और कल उन्होंने दूरभाष पर सारी जानकारी ली और बचाव के लिए हर संभव जो भी सहायता केंद्र की तरफ से हो सकती है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। और केंद्र की जितनी भी एजेंसियां इस पर काम करती हैं टनल के क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता है, सारे के सारे वहां पर काम कर रहे हैं। मैं अभी स्वयं मौके पर वहां पर गया हूँ, सभी लोग सुरक्षित हैं। मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूँ कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए। उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है, एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है, इसलिए बहुत काम जो है मैन्युअली वहां पर किया जा रहा है। और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहां पर भेज कर लगभग 60 मीटर से ज्यादा का रास्ता बनाना है, तो उसको बनाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। वहां पर सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी सब सुरक्षित आ जाए। और इसको लेकर राज्य की सरकार है या केंद्र की सरकार है, सभी गंभीर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है। गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं, रेल मंत्री जी ने भी मुझसे दूरभाष पर भी बात की है सभी लोगों ने और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। खाने पीने का सामान रात में कंप्रेसर के द्वारा पाइप से भेजा गया है अंदर और पानी भी भेजा गया है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है। अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है। मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है। मैं भी उनसे बात करना चाहता था लेकिन उन्होंने कहा कि आप ज्यादा अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा, चूंकि वो डेंजर जोन में था, और लेकिन मैंने अपना संदेश उन तक पहुंचाया है। ये काम इतने महत्वपूर्ण है और इस पर जो भी चीजें हैं वो तो हम लोग बाद में देख लेंगे आखिर क्या कारण रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता है कि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। अभी चूंकि ये जो वहां पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ए बी सी तीन प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए। और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे। ये चूंकि समय इसमें लगेगा क्योंकि मैन्युअली भी बहुत काम करना पड़ रहा है और मशीन से जो काम हो रहा है उसके कारण से मलबा फिर से नीचे आ रहा है, इससे कोई खतरा ना हो, अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, इसलिए समय जितना भी लगेगा लेकिन सबका प्रयास है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए।